खरगोन जिले के आदिवासी संगठन ने नीमच में समाज में एक व्यक्ति की हत्या के विरोध में मोर्चा खोला और महामहिम राष्ट्रपति और राज्यपाल के नाम उचित कार्यवाही के नाम पर ज्ञापन सौंपा है। हम आपको बता दें कि नीमच के बारदा गांव में कन्हैयालाल भील को बंधक बनाकर रस्सी से बांधकर घसीटा और घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल किया। ऐसे में दो दिन बीतने के बाद कार्यवाही न होने की दशा में संगठन ने मोर्चा खोलकर उचित कार्यवाही की मांग की है। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। नीमच में हत्याकांड हुआ था कन्हैयालाल का, उसके चलते हम लोग सब एकत्रित हुए और ज्ञापन दिया गया है कि अपराधियों को जल्द से जल्द फांसी की सजा तक पहुंचाने के लिए सरकार कार्रवाई करे, और इसी तारतम्य में राज्यपाल महोदय और राष्ट्रपति महोदय के नाम से हमने ज्ञापन प्रेषित किया आज। क्या नाम? मैं डॉक्टर गोविंद मुजालदा। जो सिंगोली में घटना हुई हम नीमच में, कि हमारे आदिवासी परिवार का वो व्यक्ति था, उसको कितने मतलब कि कठोरता से उनको घिसटते हुए, मतलब एक ट्रक के नीचे, इतनी उनकी साहस, उन लोगों के गुर्जरों के ऐसी साहस की आदिवासी को घिसटते हुए वो बहुत दूर ले गए, और उसी की वजह से उनको लंग्स में, फेफड़ों में दिक्कतें आई और पूरी घिसट पूरा तरह से वो अस्त व्यस्त हो गए और वहाँ पे इस तरह से मतलब हत्या की गई उन लोगों को। उसके खिलाफ आदिवासी परिवार, पूरा आदिवासी परिवार मध्य प्रदेश का हमारा आक्रोश है और उसको जल्द से जल्द फांसी की सजा होना चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुभाष पटेल, आदिवासी एकता परिषद जिला अध्यक्ष खरगोन। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।